मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, ऑर्थोपेडिक हैंड एंड माइक्रोवेस्कुलर सर्जन, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज एक मैंने विशेष सब्जेक्ट चुना है आपसे बात करने के लिए, जिसमें कि हम बात करेंगे जो हाथ में खासकर नसों की समस्याएं होती हैं। कहीं पे नस का दबाव आता है, अपनी उंगलियों में झंझनाहट होती रहती है, या अपनी उंगलियाँ काम करना बंद कर देती है, या एक हल्के रूप से कहें तो एक हल्का लकवा हो सकता है। तो इस तरह की जो समस्याएँ हैं वो मरीज को बहुत ही परेशान कर देती हैं। और नसों की समस्याएं ऐसी होती है जिसमें किसी भी दवा का कई बार कोई असर नहीं होगा जब तक कि उस नस को ही ठीक नहीं किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी अपने को लगे कि भी ये नस का समस्या है या कुछ है, तो एक हैंड सर्जन से या स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम, ज़्यादातर लोग इसके बारे में समझते हैं, ये महिलाओं में बहुत कॉमन है, कामकाजी महिलाओं में, या जिनको थायराइड की बीमारी है या कुछ है, या मोटापा ज़्यादा है, इस तरह की महिलाओं में नस दब जाती है कलाई के यहाँ से, उसको हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। और वो नस उनको झनझन करती रहती है, और रात को जैसे नींद नहीं आती, रात में उठना पड़ता है बार बार, और हाथ को बार बार झटकना पड़ता है, या मोबाइल पे बात नहीं कर सकते हैं, या टेलीफोन थोड़ी देर नहीं पकड़ सकते हैं, ये सब सिचुएशन पैदा होती है, और ख़ासकर रात निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्पेशलिस्ट को मिलें, उसकी कुछ जाँच होती है, उसको जाँच को करके हम पता लगाएं कि वाकई बीमारी वही है, नस पे ही दबाव आ रहा है, और उसको तुरंत जो है स्पेशलिस्ट अपने हिसाब से ठीक करे। अर्ली स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट जो है वो दवाओं से और रेस्ट से और स्प्लिंट से हो जाता है, लेकिन अगर यही जैसे ग्रेडिंग हमारी होती है, तो ग्रेड 5 के ऊपर अगर होता है तो फिर उसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव है। तो जब नस पे दबाव अगर हटा दिया जाए तो मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है और पहले की तरह नस काम करने लगती है, अन्यथा उनके हाथ में धीरे धीरे लकवा आने लगता है और चीज़ें हाथ से छूटने लग जाती हैं, रात रात भर झंझन रहती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से जो कोहनी के यहाँ नस दब जाती है कई बार, तो उसकी वजह से अपनी जो छोटी उंगली है और उसके पास वाली जो रिंग फिंगर है, इन दोनों में काफ़ी झंझनाहट आती है। तो इसको अल्नर नर्व की बीमारी बोलते हैं, अल्नर नर्व का दब जाना इसको बोलते हैं, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम बोला जाता है अंग्रेजी में। तो उसमें भी जो है काफ़ी मरीज को परेशानी रहती है, और धीरे धीरे एक तरह का लकवा और हाथ में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमेशा स्पेशलिस्ट को टाइमली एड्रेस करें। कई बार क्या होता है कि कई पुराने फ्रैक्चर्स होते हैं, उनकी वजह से भी नस पे दबाव आ जाता है, अगर वो टेढ़े जुड़े हुए हैं तो उस पर नस पे दबाव आता है। तो ऐसी सिचुएशन में नस को ढीला करके आगे लाना, कुछ इस तरह के ऑपरेशन होते हैं जिससे कि मरीज को उससे राहत मिल जाती है और उसकी नस और उसकी कमजोरी पूरी तरह चली जाती है। तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को, कार्पल टनल सिंड्रोम है, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम है, रेडियल टनल सिंड्रोम है, इन सबको समय से एड्रेस करना चाहिए, और कोई भी नस की झंझनाहट वगैरह को लाइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरा इनका जो आस्पेक्ट होता है कि वो ये गर्दन से भी हो सकता है, अगर आपके गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से अगर नस दबती है तो भी हाथ में इसी तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो एक स्पेशलिस्ट ये तय करता है कि ये समस्या गर्दन की नस से आ रही है या हाथ की नस में कलाई के या दबाव से या कोहनी के या दबाव से हो रहा है। तो जब तक इस बात का पता नहीं लग जाए, हम लोग कन्फ्यूजन में चलते रहते हैं कि भाई हमें इलाज कराना क्या है, गर्दन का इलाज कराना है, न्यूरो के पास जाना है, स्पाइन सर्जन के पास जाना है, ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, या हैंड सर्जन के पास जाना है। तो किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखा के कुछ जाँचें होती है, जैसे कि NCV है, MRI है, इन सबसे पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और फिर उसको समय से एड्रेस करें, उस नस के ऊपर से दबाव हटाएं, तो मरीज काफ़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। जो रात में झंझनाहट होना, रात रात नींद नहीं आना, वो सब उसका ख़त्म हो सकता है। खासकर कार्पल टनल सिंड्रोम या कुछ भी इस तरह की नस की समस्याएं होती हैं, तो इनमें कई बार उपचार सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होता है, लेकिन मरीज ऑपरेशन से डरता रहता है और वो उपचार नहीं कराता, और उसका जो लकवा वाला पार्ट है या जो कमजोरी है वो बढ़ती जाती है। तो इस अवधारणा को नहीं पालें कि भी ऑपरेशन, इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, आप सुबह भर्ती हुए और आपको दोपहर में छुट्टी मिल जाती है, एक बहुत ही करीब 1 इंच से भी छोटा चीरा लगता है और आपकी नस को ढीला कर दिया जाता है। आप खाना ऑपरेशन के पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी खाना खा सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। तो इस डर को नहीं रखें और सहते नहीं रहना है कि भी हमें जो है ऑपरेशन से डर लगता है कुछ है। कई बार हम इस चक्कर में दवाइयाँ लेते रहते हैं लेकिन ठीक नहीं होगा। ये उस तरह से है कि आप किसी चीज़ के ऊपर पत्थर रख दो और दर्द की दवाई दो, तो अपने को पत्थर को हटाना है, दर्द की दवाई देते नहीं रहना है। तो हमें दवाइयों की बजाय जो उचित उपचार है उस पर जाना चाहिए। नसों का सबसे अच्छा उपचार है कि दबाव को ख़त्म किया जाए, अगर वो मैकेनिकल है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है। अगर लगता है कि मैकेनिकल नहीं है, यानी कि कोई
प्रेशर कहीं चीज़ किसी चीज़ से नहीं आ रहा, तो दवाइयों से भी उसका उपचार है। तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से लें और स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और अगर आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है तो उसको समझें और उचित समय पर सर्जरी कराएं, ताकि आपको सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट वो है वो मिले और उसका फटाफट निदान और उपचार हो।